मोबाइल से वीडियोस बनाते हो या फिर छोटा सा एक कैमरा है या किसी भी रीजन की वजह से हाई क्वालिटी वीडियोस नहीं बन पा रही या फिर ब्लर हो जाते हो या फिर नॉइस बहुत ज्यादा आता है वीडियोस के अंदर, तो टेंशन नहीं लेने का। एक ऐसी वेबसाइट जो ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी और उसको आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और कंप्यूटर में भी। वेबसाइट का नाम है हिटपा ऑनलाइन AI वीडियो एनहांसर। हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है उनकी तरफ से, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद इसको टेस्ट किया, फिर मैंने कहा कि हाँ ये चीज ठीक है तो हम ये डील कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी वीडियो को अपलोड करना है और आपने ऐसी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी हो जो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की लगती है, समझ ही नहीं आता कि यार ये कैसे की गई होगी, क्योंकि रियलिस्टिक में भी इतना हाई क्वालिटी नहीं थी। तो उसके लिए भी ये जो AI टूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही आप वीडियो को अपलोड करोगे, कोई भी वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं। अब ये जैसे ही अपलोड हो जाएगी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे। ये सारे अलग अलग AI के टूल्स हैं और मैं सारे आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा फेस मॉडल के नाम से, ये सारे AI टूल है। तो अगर हम वीडियो को यहाँ पे जैसे अपलोड कर दिया है, तो अगर हम फेस मॉडल को सेलेक्ट करके नीचे प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वीडियो को 2-4 सेकंड के अंदर ही जनरेट कर देगा और आपकी वीडियो जो पहले लो क्वालिटी की थी वो यहाँ पर हाई क्वालिटी की बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो फर्क है दोनों लेफ्ट और साइड में नजर आएगा बिफोर आफ्टर का। अगर दोनों को मैं साइड बाय साइड आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप खुद भी ये फर्क देख सकते हो। अब देखो, इसको डाउनलोड करना भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आपको क्वालिटी के ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। आप चाहो तो इसको 2K में कन्वर्ट कर सकते हो, 4K में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इससे ज्यादा भी आप कस्टमाइज अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको जितना भी रेजोल्यूशन आपको देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल देना और ये वीडियो प्रोसेसिंग में हो जाएगी। कुछ ही देर के अंदर 10-15 मिनट के अंदर ही आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपकी वीडियो डाउनलोड के लिए रेडी है, या फिर आप यहाँ से भी अपने 10 मिनट बाद डाउनलोड इसको कर पाओगे। ये जो टाइम है आपकी वीडियो की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम ये लेगा, लेकिन हाँ काम आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा। अब दूसरा जो टूल है हमारा वो सबसे ज्यादा काम आता है, स्पेशली अगर हम मोबाइल से या फिर लो लाइट वाली परफॉर्मेंस वाली वीडियोस बनाते हैं। जब हमारे पास लाइट कम होती है तो हमारी वीडियोस में गेन्स या नॉइस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो जनरल नॉइस रिडक्शन वाला टूल है हमारा, इसको अब हम यूज करेंगे अपनी वीडियो में से नॉइस सारा खत्म करने के लिए। सिंपली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अपनी किसी भी वीडियो को जिसमें नॉइस हो, एग्जाम्पल के लिए हम ये वीडियो ले लेते हैं, दिखने में ठीक लग रही होगी लेकिन जब इसमें से नॉइस हम खत्म करेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ पर इसको हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आपको जनरल नॉइस टूल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे कुछ ही सेकंडों के अंदर आपकी वीडियो जो है नॉइस फ्री हो जाएगी। और जो फर्क है आपको यहाँ मैं साइड बाय साइड चला के दिखाऊं तो भाई बहुत ज्यादा फर्क है। देखो ये चीजें ना तब हमें ज्यादा पता चलती है जब हम नॉइस फ्री को नॉइस वाली वीडियो के साथ में देखते हैं। जब तक हमारे पास एक नॉर्मल वीडियो है हमें लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, पीछे थोड़ी बहुत नॉइस है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हम नॉइस फ्री वीडियो को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि यार क्वालिटी का बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल सकती है एकदम बढ़िया। अब जो इसका तीसरा टूल है वो आप में से शायद सबके यूज करना हो, लेकिन जितने भी लोग AI वाली वीडियोस बनाते हैं या एनिमेशन वाली वीडियोस बनाते हैं या किसी भी तरीके का कोई कार्टूनिश करेक्टर टाइप की या फिर थोड़ा सा एनिमेटेड टाइप की वीडियोस को रखते हो और उसमें अगर आपकी क्वालिटी कम है तो वो चीज़ यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर देखो, हम कोई भी एक कार्टूनिश वाली वीडियो या फिर AI वाली जैसे ये वीडियो है इसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे। ये देखो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, आउट ऑफ फोकस में करेक्टर है, चेहरा भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये जो एनिमेशन मॉडल वाला हमारा ऑप्शन है, अपलोड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करते ही जैसे प्रीव्यू करेंगे कुछ ही सेकंडों में ये अपना AI का जादू दिखाएगा और आपकी जो वीडियो थी जो आउट ऑफ फोकस थी, जो ब्लर थी, वो यहाँ पर एकदम शार्प क्वालिटी में आपको देखने को मिलती है। अब लेफ्ट राइट में फ़र्क आपको सामने खुद ही नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फर्क है। इसको आप अपस्केल कर सकते हो, अगेन वही 4K 8K जितना भी आप बनाना चाहो, जितनी हाई क्वालिटी आप करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये सिर्फ कार्टूनिश वाले मॉडल के लिए नहीं है, आप अपने ऊपर भी, अपनी वीडियो के ऊपर भी इसको अपस्केल कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो स्किन टोन होती है थोड़ा सा उसका फ़र्क तो रहेगा ही, लेकिन ये फिर भी बहुत बढ़िया टूल है।
अब जो चौथा हमारा टूल है वो बहुत ही मजेदार सा है। अगर उसका कुछ जादू मैं आपको दिखाने लगूं, तो मान लो किसी भी रीजन से आपकी जो वीडियो है ब्लैक एंड व्हाइट में आपने शूट करी, हालांकि किसी भी रीजन से नहीं, जब आपके पास लाइट कम हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करो, ताकि आपको जो कॉन्ट्रास्ट है वो बनाने में इजी रहे। खैर शूट करने की बात तो हम किसी और दिन करेंगे, लेकिन मान लो कि आपने वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करी, अब इसमें हम कलर्स डालना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी पुरानी वीडियो है जिसको आप कलर्स डालना चाहते हो, उसके अंदर जान डालना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपली वीडियो को हम अपलोड करेंगे और ये जो हमारा कलराइज मॉडल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे, तो ये वीडियो में ऑटोमेटिकली कलर्स को डाल देगा। ये हो सकता है एकदम परफेक्ट ना हो, लेकिन जब आपकी वीडियो में कलर्स आ जाएंगे तो आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उनको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को बहुत काम की चीज लगी, क्योंकि जितनी भी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वाली मूवीज हैं उनको हम ऐसे कलर्स में करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो ये आपके पास टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चारों टूल्स हैं हिटपो की तरफ से बहुत ही बढ़िया हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं खुद इनको यूज करने वाला हूं और मैं कर भी रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। तो अगर आपको ये ट्राई करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।